विधायक रामफेर पांडे व अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा बाइक रैली को किया रवाना। सीताद्वार मंदिर से निकली तिरंगा बाइक यात्रा कटरा होते हुए इकोना हुई समाप्त। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज विधानसभा में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। सीताद्वार मंदिर से जिला अध्यक्ष भाजपा उदय प्रकाश त्रिपाठी, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान अरुण सिंह गप्पू ने विधायक के साथ में हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा सीताद्वार मंदिर से होते हुए कटरा होते हुए इकोना पर आकर समाप्त हुई। इस मौके पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हरिओम तिवारी, चंद्र कुमार मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी बब्बू शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ तिवारी, जिला मंत्री अरुण पांडे, समस्त मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता विनय तिवारी, बिन्नू बासुकीनाथ मिश्रा सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में ये बाइक रैली निकाली गई। तिरंगा बाइक रैली सीताद्वार मंदिर से शुरू हुई, जो कटरा होकर इकोना पहुंची और यहीं पर इसका समापन हुआ। प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे देश में 9 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, 9 अगस्त को जो काकोरी ट्रेन हादसा हुआ था उस पर सभी जनपदों में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसका संगोष्ठी हुआ और जो हमारे वीर शहीद जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था इस देश को बचाने के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक करके उन्होंने देश को आज़ाद कराया। और 15 अगस्त 1947 हम उन वीर शहीदों को तब से लेकर के और आज तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हर घर तिरंगा यात्रा लगा करके और एक शांति का और समरसता का पैगाम देने का काम कर रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम हैं, इसमें स्वच्छता अभियान भी है, स्वच्छता भी हम लोग कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा भी कर रहे हैं। और कल हम लोगों की देश के विभाजन की जो विभीषिका थी 14 अगस्त को, उस पर भी गोष्ठी कर करके मौन जुलूस निकालेंगे और 15 अगस्त को अपने शैक्षिक संस्थान, सरकारी संस्थान या अर्ध सरकारी जो भी योजनाएँ हैं, संस्थाएँ हैं, उनके माध्यम से हर घर तिरंगा लगा करके और देश को ऊंची शिखर पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन वीर शहीदों के श्रद्धांजलि में हम अपना श्रद्धांजलि भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ तिरंगा लहरा करके उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और ऐसे वीर शहीद जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, ज़रा उस माँ से पूछिए कि इस देश के लिए उनका बेटा चला गया, माँ का गोद खाली हो गया, मैं ऐसी माँ को प्रणाम करता हूँ। और ऐसे बाप से पूछिए कि जिनका लाडला बेटा इस देश के लिए समाहित हो गया, शहीद हो गया, मैं उन पिता को प्रणाम करता हूँ। उस बहन से पूछिए कि जिसके सिंदूर, मां के सिंदूर इस देश के लिए उजड़ गए, मैं ऐसी बहनों को एक ने हजार बार प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और उन बच्चों के बारे में सोचिए कि जिनके सर से साया जीवन के लिए देश के लिए समाप्त हो गया, उन पूरे परिवार को मैं सत सत नमन करते हुए और अपने वीर शहीदों को हजार बार प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हर घर तिरंगा लगा करके और उनको एक अच्छा संदेश दे करके श्रद्धांजलि देने का काम योगी और मोदी की सरकार कर रही है। और पूरा प्रशासन, पूरी जनता हर घर में झंडा लहरा करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने मुझसे बाइट लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको भी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।